NTV UAE to the world. നമസ്കാരം എൻ ടി വിയുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സാരഥിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ സാരഥികൾ രണ്ടു പേരാണുള്ളത്. ആൻഡ് പ്രഗത്ഭൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ സാരഥി എപ്പിസോഡ്സിൽ വന്നവരിൽ ഏറ്റവും തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് വളരെ അഭിമാനപൂർവമായി നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഗസ്റ്റുകളാണ്. ലെറ്റ് മീ പ്ലീസ് വെൽക്കം മിസ്റ്റർ രാമകൃഷ്ണ താലുക്ദാർ ആൻഡ് റൂമി താലുക്ദാർ. നമസ്കാരം. സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാർഡ് വിന്നർ മാത്രമല്ല, അവാർഡുകളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു 3 പേജ് എഴുതി വെക്കേണ്ടി വരും. അത്രയേറെ അവാർഡുകളും പുരസ്കാരങ്ങളും ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ 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 സ്പെഷ്യലാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് ടു NTV. പെലെ മേ ആപ്സെ പൂച്ചു, ആപ്കാ ആപ്നെ തോ മ്യൂസിക് പേ ഗ്രാജുവേഷൻ കിയാ ഹുവാ ഹൈ, ഡാൻസ് പേ കിയാ ഹുവാ ഹൈ, ബഹുത് സാരേ ഹൈ. തോ ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് ഇസ് യുവർ മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ്? മേ പെലെ NTV को धन्यवाद कहना चाहता हूँ क्योंकि आज इतना सुविधा दिया है हमको, क्योंकि हमारे आसाम के हटरिया डांस के बारे में कुछ आज बोलने का एक सुविधा मिला है इधर. मैं सत्रिया डांस का आसाम का सबसे पहला नंबर 1 का ग्रेजुएट हूँ मैं. उसके बाद मैंने कथक डांस में मास्टर्स किया है मध्य प्रदेश का खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से. और मेरा नौकरी है सत्रिया गवर्नमेंट म्यूजिक कॉलेज असम का, और सत्रिया डिपार्टमेंट में मैं लेक्चरर था. अभी मैं रिटायर्ड हो गया है, अभी फॉर्मर लेक्चरर हूँ. बहुत बहुत अचीवमेंट्स के जर्नी रहा होगा, राइट? एंड रूमी मैम, आप दोनों कैसे मिले? हाँ, एक्चुअली हमारे महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव को पहले मैं प्रणाम करता हूँ. हमारे जगत गुरु हैं असम का, ये हमारे जातीय गुरु हैं. महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने 6 ड्रामा लिखा है. ओके. उसको अंक्यानत कहा जाता है असम में. उस इस ड्रामा 6 ड्रामा का एक ड्रामा है राम विजय. इसमें राम है और सीता है. वो इस ड्रामा में हमारे जो गांव हैं, मेरा गांव, गांव का नाम बामाखाता है. इसमें एक बहुत पुरानी सत्र है, 300 ईयर्स 400 ईयर्स हो गया है. इस सत्र में एक भावना हुआ, ये ड्रामा हुआ था राम विजय. ओके. इसमें दो कैरेक्टर है, एक राम एक सीता. ओके. तो मैं इसी समय ये 1987 ओके 87 में ये 87 में ये ड्रामा हुआ था, और मैं राम का रोल लिया था, सीता का रोल लिया. 1987 രാമനും സീതയുമായി ഗംഭീരമായി പെർഫോം ചെയ്തു, ഇപ്പോൾ ഒരു ഗംഭീര ജോഡിയായി. That's a beautiful journey, right? और आप भी इसी प्रकार क्षत्रिय डांस पे, होत्रिय डांस पे पैशनेट रही होंगी, राइट? जी जी, मैं भी. आप कितनी उम्र से ये सीख रही हो? मैं तो 10 साल से सीख रही हूँ. 10 साल से. 10 साल से. 10 साल से सीख रही हूँ. ओके. लेकिन शादी के बाद मेरा परफॉर्मेंस धमाका परफॉर्मेंस ज़्यादा हो गया है. ओके. के बाद शादी के बाद द पैशन इज इंक्रीज्ड फॉर द डांस. पहले वो कथक डांस सीखते थे. कथक का प्रैक्टिस करते थे. कथक से प्रेम हो गया होत्रिय डांस पे. ब्यूटीफुल. आपके घर में पहले हम एक वीडियो देखेंगे. वी विल गो एंड वॉच अ वीडियो परफॉर्मेंस ऑफ सर. उसके बाद हम वापस आके बाकी फैमिली के बारे में जानेंगे. നല്ല ഗംഭീരമായ പെർഫോമൻസ്. വാട്ട് ആൻ എനർജി സർ. ഇറ്റ്സ് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ്. കഥക് ഓർ ഹോത്രിയർ ദോനോ മേ ആപ്കാ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഹൈ, ഉസ്മേ സേ ആപ്കാ പ്യാർ കോൺസാ ഹൈ, ഫസ്റ്റ് ലവ് ഉസ്മേ കോൺസാ ഹൈ? ഹമാരേ ജോ അസം കാ സത്രിയ ഡാൻസ് ഹൈ, ഹോത്രിയ ഡാൻസ്, യേ ജോ ഹമാരേ
लाइफ जोड़ गया है इसमें, क्योंकि हमारे ये फोर्थ जेनरेशन का मैं आर्टिस्ट हूँ। मेरे आगे तीन जेनरेशन सत्रिया डांस, सत्रिया संगीत, सत्रिया वाद्य से जुड़े हुए हैं, ड्रामा से जुड़े हुए हैं, यही फैमिली का मैं मेंबर हूँ। तो सत्रिया डांस हमारे ब्लड में है, तो ये तो सबसे पहले सत्रिय डांस का नमन करता हूँ। सबसे बड़ा कथक डांस इंडिया का सबसे फेमस डांस है, बहुत प्यारा डांस है। मैंने 18 ईयर्स मैंने प्रैक्टिस किया कथक डांस और मास्टर्स भी किया और सारा हिंदुस्तान में मैंने परफॉर्म किया। लेकिन हट्टिया डांस मैंने इंडिया और एब्रॉड में भी किया है, स्कॉटलैंड में किया, लंदन में किया, कुवैत में भी किया था। अभी तो अभिनय फेस्टिवल में आया, अभी यूएई में भी हमारे व्यूअर्स को देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, आपने बहुत सारे किताबें लिखे हुए, बेसिकली किस तरह के व्हाट डांस फॉर्म के बारे में? इसलिए लिखा है, हमारे असम में जो क्लासिकल डांस का बुक नहीं मिला था, मैंने जब पढ़ा सब डांस ग्रेजुएशन किया इसी समय, नाट्य शास्त्र के बारे में, अभिनय दर्पण के बारे में, शास्त्र के बारे में, आसामीस लैंग्वेज में बुक नहीं मिलता था, इसलिए प्रॉब्लम होता था आसाम के लड़के लड़कियों के लिए। तो मैंने सोचा, जब मेरा मास्टर डिग्री कंप्लीट हो गया है उसके बाद मैंने एक बुक लिखा है, नृत्य कला दर्पण और इंडियन क्लासिकल डांस का नृत्य कला दर्पण। ये 2000 में पहला प्रिंट हुआ था, उसके बाद 2005, अभी 2019 में फिर से हुआ था। और ये टेक्स्ट बुक है हमारे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम का, असम गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक। Wow, that's really good. അപ്പൊ അസാമി പുസ്തകങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു പഠനകാലം കാരണം തന്നെ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പുസ്തകം എഴുതുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ദാറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ് ടു ഹിയർ സർ. ഈ അഭി അപ്നെ ജോ ബോലാ ഹമാരെ വ്യൂവേഴ്സ് കെ ലിയെ ഹോത്രിയ ഇസ് എ വെരി ന്യൂ ഫോം, തോ ആപ് ഉസ്കെ ബാരെ മേ കുച്ച് ബോൾ സക്തേ ഹോ? हाँ, सत्रिया डांस एक्चुअली न्यू डांस फॉर्म नहीं है, 600 इयर्स एगो सत्रिया डांस। हाँ, लेकिन हमारा अवेयरनेस उतना ज़्यादा नहीं है इसलिए, क्योंकि 2000 में हमारे सत्रिया डांस को मेजर इंडियन क्लासिकल डांस में आ गया है। हमने आजकल क्लासिकल डांस कहना चाहता हूँ, वो बोलता हूँ क्लासिकल डांस ही है हमारे सत्रिया डांस, इसलिए 24 इयर्स हो गया है। तब धीरे धीरे पूरा इंडिया में पूरा कवर कर लिया है, अभी पब्लिसिटी हो गया है, हमने भी बहुत पब्लिसिटी किया है। और हमारे जो डांस है ये हमारे सत्र में था, ये तो सत्र एक टेंपल, आध्यात्मिक एक टेंपल है, टेंपल नहीं बोलते हम, बोलते नामघर, सदनामघर बोलते, सदनामघर, जिसमें महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव का एक ही है, एक देव एक हेब एक विनयनायक एक ईश्वर बा, भगवान एक है, भगवान कृष्ण, कृष्ण कृष्ण ही बिना और कुछ नहीं होगा, कोई देव देवता का पूजा नहीं चलेगा, कृष्ण दुर्गा का नहीं चलेगा, शिव का भी नहीं चलेगा, ब्रह्मा का भी नहीं चलेगा, किसी का नहीं चलेगा, एक ही देव है कृष्ण देव। ये कृष्ण देव से स्टार्ट होता है हमारा पूरा डांस, इसलिए हमारे डांस में कोई दूसरा वंदना नहीं है। लेकिन राम वंदना होता है क्योंकि राम और कृष्ण एक ही है, नारायण का एक ही है, इसलिए होता है। വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഹോത്രിയ ഡാൻസിൽ കൃഷ്ണനാണ് മെയിൻ. തബി തോ ബോലെ ഐ ഹവ് ഹാപ്പൻ ടു ടോക്ക് ടു യുവർ കുലീഗ്, തോ വോ ബോൾ റഹി തി കി ഭഗവത്ഗീത കാ സാർ ഹോതാ ഹൈ ആപ്കെ സ്ക്രിപ്ചേഴ്സ് മേ ആപ്കെ ടെക്സ്റ്റ് മേ, ഭഗവതി മെയിൻ ഹൈ, भगवती मेन है, बहुत अच्छा है. तो पहले तो लड़कियों लोग होत्रों में नहीं जाते थे, राइट? तो तब लड़कियों के रूप में भी डांस करना पड़ता था. हाँ, लड़कियों के रूप में डांस तो महापुरुष माधवदेव ने किया है, हमारे गुरु माधवदेव ने. क्योंकि ये जो लड़कियों का डांस है वो सालीनस कहाँ जाता है असम में, कि सालीनस लड़का करते हैं लड़की बन के, लड़की नहीं करते हैं ये डांस. अब मेरे ख्याल से ये 2000 के बाद, शायद 2000 के बाद नहीं, वो तो नहीं, लड़कियां कब से परफॉर्म करना शुरू हो गई? तो प्राय 60-70 ईयर्स हो गया है. 70 ईयर्स, बहुत अच्छे बात है कि हमको आप अभी गेस्ट बनकर मिले, क्योंकि हमारे यहाँ एक्सपैट्स में कथक डांसर्स सीखने के लिए बहुत स्टूडेंट्स हुआ करते हैं, मोहिनीअट्टम का सारे के सारे डांस फॉर्म्स हैं, लेकिन
फॉर मी हौत्रिया यहाँ कोई सीखता है, मैंने नहीं सुना. अपो आपको आपके कोई इंस्टीट्यूशन है जहाँ सिखाते हैं या फिर? हमारे इंस्टीट्यूट है नर्तन कला निकेतन. ओके. तो प्रिंसिपल है रूमी जी. ओके. और मैं गुरु हूँ ये इंस्टीट्यूट का. नर्तन कला निकेतन फेमस इंस्टीट्यूट है. इसमें जापानी स्टूडेंट भी आए हैं सीखने के लिए सत्रीय डांस. रशियन भी आए हैं, बेलारूस से आए हैं, अमेरिका से भी आए हैं. और फ्रांस का भी एक लड़का ने परफॉर्मेंस किया है. और एक कंट्री का था कजाकिस्तान. तो वो आके वहाँ रह के पढ़ते हैं? रह के वो तो आईसीसी में भी भेजे जापानी ऐसे रहते. बहुत अच्छा है. हमारे इंस्टीट्यूट एक ही इंस्टीट्यूट है जिस इंस्टीट्यूट में आईसीसी ने पहला बार इंडियन का हमारे सत्रीय डांस सीखने के लिए एब्रत से स्टूडेंट लिया है. वेरी गुड. तो अभी हम एक और डांस वीडियो देखेंगे, उसके बाद वापस आएंगे. ठीक है, तो लेट्स गो एंड सी दैट वीडियो एंड कम बैक. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാരഥി. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് വീഡിയോ പെർഫോമൻസ് ആണ്. ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു, ആപ്കേ ഘർ മേ, ആപ്കേ ഫാമിലി മേ കോൺ കോൺ ഹേ? हमारे फैमिली में दो बेटी है हमारा. माशाल्लाह. नूपुर तालुकदार है, गुंजन तालुकदार. दोनों क्षत्रिय परफॉर्मर हैं और दोनों बच्चे से सीखते हैं. अभी तो नेशनल अवार्ड भी मिले हैं मेरा नूपुर को. नूपुर को नेशनल स्कॉलरशिप भी मिले थे दो, और गुंजन को भी मिले थे ये अवार्ड. मिनिस्टर ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीसीआरडी का दो मिला है. और मिनिस्टर ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एन इज्जत सीसी नॉर्थ ईस्ट जोनल कल्चरल सेंटर ने यंग टैलेंट अवार्ड भी दिया है. वाओ, माशाल्लाह. लाइक यू नो, आपके खानदान में पूरा डांस के लिए ही पूरा लाइफ बिता रहे हो, तो डेफिनेटली ये बच्चों में और आगे भी जनरेशंस में आएंगे. इट्स लवली टू हियर दैट. बहुत खुशी हुई सुन के. ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ നേടുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ എത്ര വളരെ ഹംബിൾ ആണ് നോക്കൂ. ഈ ടാലൻസ് വായിച്ച എനിക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ്. ഇത്രയേറെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടും ഇത്രയും ഹംബിളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സാരഥി എന്നുള്ളത്. ഹമാരെ വ്യൂവേഴ്സ് കെ ലിയെ കോൺ സാ മെസ്സേജ് ദേനാ ചാഹോഗേ, ജോ ഡാൻസ് പാഷനേറ്റ് ഹൈ ഡാൻസ് കെ ബാരെ മേ ലേക്കിൻ അഭി തക് ഷായദ് സീഖാ നഹീ ഹോ, കോയി സീഖാ ഹുവാ ഹോ ലേക്കിൻ ആധാ ഛോഡ് ദിയാ ഹോ, ഉൻകെ ലിയെ ആപ്കാ ക്യാ മെസ്സേജ് ഹൈ? एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तानी जो क्लासिकल डांस है, इंडियन क्लासिकल डांस में ये ऐसा होता है, ब्रेन का सेल स्टिमुलेट करने के लिए हमारे जो भरतनाट्यम में करण है. okay. हमारे क्षत्रिय डांस में माटी अखरा है. okay. माटी अखरा मीन्स करण जैसे है, वो ग्रामर एंड एक्सरसाइज है क्षत्रिय डांस के. okay. और ये क्षत्रिय डांस में हिंदुस्तानी क्लासिकल डांस में क्या होता है, एक्चुअली स्टूडेंट लोग सीखने के लिए वो बौद्धिक विकास हो जाता है. ओके. ब्रेन का सेल स्टिमुलेट हो जाता है. okay. ये बहुत एक्चुअली और फिजिकल फिटनेस के लिए सबको सीखना जरूरत है. मैं ये बोलना चाहता हूँ पूरा हिंदुस्तान क्लासिकल डांस से जुड़ जाने से हमारे डांस भी आगे बढ़ेगा, सबका भला भी होगा. थैंक यू सो मच. आप क्या बोलना चाहोगी? मैं आप लोगों के NTV को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, आपके साथ मुलाकात हो गया, इसीलिए आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद. और अभिनय फेस्टिवल में आया हूँ मैं, इसीलिए रश्मि जी को, पद्मा जी को मैं हाँ. बहुत धन्यवाद बोलती हूँ, बहुत धन्यवाद किया हूँ. मैं भी रश्मि जी और पद्मा जी दोनों हाँ. को और मनीषा जी को, डॉक्टर मनीषा जी को मैं थैंक यू कहता हूँ. थैंक यू सो मच. मैं देख रही थी आपको, ब्यूटीफुल फेस, सीता माँ जैसा वो शांत फेस है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. गॉड ब्लेस यू बोथ, आपका फैमिली
All the very best from NTV viewers and from all of us here in NTV. Thank you so much. Welcome. മറ്റൊരു അതിഥിയുമായി അടുത്തത് സാരഥി എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു അതിഥിയുമായി മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവരേക്കും ദിസ് ഇസ് ഡയാന സുമൻ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം സാരഥി ഫ്രം NTV UAE's നമ്പർ വൺ ഇന്ത്യൻ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ അവൈലബിൾ ഇൻ UAE, ഖത്തർ ആൻഡ് സൗദി അറേബ്യ കീപ് വാച്ചിങ് NTV NTV UAE to the world. NTV UAE to the world.